देखो मैंने आप लोगों को बताया था दो तरीके के पेपर्स होते हैं, आप लोगों के पेपर वन और पेपर टू। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ दो तरीके के सब्जेक्ट्स, एक रेयर और एक कॉमन। कॉमन वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर 50,000 के आसपास की जनता होती है, और रेयर वो होते हैं जिसके अंदर 10,000 से कम जो है वो जनता रहती है। 15,000 से भी कम ले लो, 10,000 या 10,000 से कम जनता जिसके अंदर होती है वो मेरे लिए रहते हैं रेयर सब्जेक्ट्स, और बाकी जो होते हैं मेरे लिए कॉमन सब्जेक्ट्स। चाहे आप किसी भी साल की कट ऑफ लिस्ट निकाल के देख लेना, आप लोगों को मैं डेटा स्टडी करके ही बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन स्टडी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बच्चे ने बोला योगा हो गया, जितने भी लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, लिंग्विस्टिक का पेपर हो गया, बोडो, कश्मीरी, पाली, जितने भी लैंग्वेज के पेपर होते हैं, फॉरेंसिक स्टडी, टूरिज्म, जितने भी ये पेपर्स होते हैं, इन सब के अंदर आप नोटिस कर लेना कि आपकी जो कट ऑफ है जेआरएफ की यूआर कैटेगरी के अंदर वो 200 प्लस ही आप लोगों को मोस्टली मिलेगी, मोस्टली आप नोटिस करना। और जितने भी कॉमन सब्जेक्ट है उनके अंदर जो है ऐसा नहीं होता है, जो कट ऑफ है वो 200 से कम भी आप लोगों को मिलेगी काफी सारों में, और 200 से ज्यादा भी इकोनॉमिक्स छोड़ दो और आप लोगों का ज्योग्राफी छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के किसी की भी ऐसी नहीं होगी कि 200 से बहुत ही ज्यादा मिलने वाली है, ऐसा कभी नहीं होता है। और इस बार का जो ज्योग्राफी का पेपर आया था ना, क्योंकि मेरी बात हुई ज्योग्राफी की, बहुत सारी फैकल्टी से बात हुई, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है जो ज्योग्राफी की फैकल्टी, आप जानते भी हो उनको, तो उनसे भी मैं मिली, उन्होंने भी मुझे ये बताया पूरा पेपर करंट अफेयर बेसिस पर आ गया। तो जब आप लोगों की कट ऑफ डिसाइड होती है तो दो चीजें देखी जाती है, मुझे लगता है कि रेयर और कॉमन सब्जेक्ट वाला पॉइंट एक तो देखा जाता है, ये मिट क्यों गया भाई, है ना, रेयर और कॉमन सब्जेक्ट वाला बार पॉइंट देखा जाता है, और दूसरा देखा जाता है कि इस बार का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। कि आप लोगों को हमेशा जब भी डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लेना होता है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भेड़ चाल कर रहा है, जो जनता पूरी कर रही है, वो आप करो जरूरी नहीं है, आपको वो करना है जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका पेपर जो है वो रेयर है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप का जो पेपर टू है उसमें आपका कंपटीशन हाई है, इसीलिए कट ऑफ हाई जाती है। बट पेपर वन जो है, पेपर वन ऐसा है जो ओवरऑल कंपीट हो रहा है सभी के साथ में, क्योंकि पेपर वन के लिए पहले से एक लूप तैयार होता होगा और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सबके लिए कॉमन है, और फिर वो डिवाइड होते होंगे, राइट। बट जो पेपर टू है, सोच के देखना, पेपर टू उसकी जनता तो ये 10,000 ही है, इसीलिए कट ऑफ हाई जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो जनरल है, ये तो कॉमन है सभी के लिए, जो 8 लाख लोग फॉर्म भर रहे, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे, सबके लिए कॉमन है। बट ये जो है, ये जनता, ये है जो कट ऑफ डिसाइड करती है, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों का ही जो है वो आपका डिसाइड करता है मिला के स्कोर। क्लियर? बहुत ही कम ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें नेट का और जेआरएफ, ये जो दोनों है, इनके अंदर बहुत ज्यादा नंबर्स का डिफरेंस होता है। यूजुअली इनके अंदर 20 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयरली कभी ऐसा होता है, जैसे पिछली बार हमारे साथ हुआ था सीएसएस वालों के साथ में, है ना, कुछ 160-170 के आसपास गया था और 196 या 194 जो है वो जेआरएफ गया था, यूआर कैटेगरी बता रहे हो, तो 20 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस हो गया, तो ये बहुत ही रेयर होता है। नहीं तो नेट और जेआरएफ, ये जो मैं बात कर रही हूँ, इसमें 10 नंबर या कह सकते हैं हम लोग की 2 या 3 परसेंटाइल का ही फर्क होता है, इतना नहीं होता है, ज्यादा ही बोल दिया वैसे तो मैंने ये, पर इससे कम ही होता है।